पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन इतना है कि अपने जो सपने थे हमारे, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बिल्कुल सपने टूट गए। लेकिन ये था कि हाथ नहीं रहे, अब क्या करूं। तो ये था कि मेरे लिए कि जीना तो पड़ेगा इस दुनिया में, और जो मुश्किलात आए हैं जिंदगी में उनको हमने फेस किया है, लेकिन फेस ऐसे किया है कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आप बहुत फील होता है, दिल भारी होता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्रिकेट क्रिकेट का जुनून ही था जो उन लम्हों को पीछे छोड़कर उस जुनून के साथ आगे बढ़ा, और जिन लोगों ने टीवी नहीं देखने दिया था आज वो मजबूर है आपको टीवी में देखने के लिए। पहले सर जिंदगी बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हम काम करेंगे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम कल करेंगे। लेकिन उनको भी पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा क्या कि वो मिलते हैं क्रिकेट। दोबारा आपसे कभी यस मिले सर, थे? क्यों नहीं सर, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनको भी खुद भी मालूम नहीं है कि उस टाइम हमने क्या किया मेरे के साथ। जाने अनजाने में किया, चाहे जैसे भी किया, दुख हुआ। दुख जरूर हुआ मुझे, लेकिन कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज उस कारण से हम अपने सपने हमने पूरे किए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, या मैं कह लूं कि असल जिंदगी के असल हीरो। आपने रील के हीरो देखे होंगे और रेल के हीरो भी देखे होंगे, मेरे साथ जो है वो रेल के हीरो हैं। अब इनको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, और आमिर इनका नाम है, और अनंतनाग के रहने वाले हैं। कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले शायद अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के लोग ही इनको जानते होंगे, लेकिन आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खेल प्रेमी होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और कई सारी यादें इनकी पूरी लाइफ में, अभी तक इन्होंने कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितनी खट्टी मतलब खट्टी मीठी यादें जो है इन्होंने देखी हैं। आमिर जी, आपके साथ बैठकर बातचीत करना बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि आपने जो जिंदगी में इतनी चीजें देखी हैं, इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी पेन देखी है, लेकिन उन सबसे उभर कर आपने जो पॉजिटिविटी देखी है मैंने आप में, बड़े कम लोगों में होती है, लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। क्या कुछ कहोगे एक 8 साल की उम्र में दोनों बाजू में नहीं रहना, और वहां से लेकर जैसे जैसे बड़े होते रहे जिंदगी आसान नहीं थी? सर पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन इतना है कि अपने जो सपने थे हमारे, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बिल्कुल सपने टूट गए। लेकिन ये था कि हाथ नहीं रहे, अब क्या करूं। तो ये था कि मेरे लिए कि जीना तो पड़ेगा इस दुनिया में, और जो मुश्किलात आए हैं जिंदगी में उनको हमने फेस किया है, लेकिन फेस ऐसे किया है कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आगे बढ़ना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद क्रिकेट जो सपना था हमारा। क्या चीज ऐसी थी जो हमेशा हिम्मत देती थी कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे बढ़ना है, और अगर मैं ये दौर काट गया तो आगे कईयों के लिए मिसाल पैदा करूंगा? मेरे जहन में सिर्फ एक महान शख्स था, उसका नाम है सजन सर। और उसको जब मैं देखता था ना, क्योंकि ये बचपन से जब हम टीवी देखा करते थे, और फिर जब मैच होता था तो हम सचिन सर चौका लगाते थे, तो हम कहते थे सचिन 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 सचिन। सचिन पूरा स्टेडियम गूंज तो उठता था। यस सर, तो ये था अपने जहन में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस लेकिन हाँ सर, लेकिन जब वो सपना टूट गया ना सर, पूछे मत, ये सपना ही टूट गया। पहली बार बात कब हुई सचिन तेंदुलकर जी से? पहली बार जब उनसे बातचीत हुई, या फिर उन्होंने आपको सुना आपके बारे में, समझा आपके बारे में, फिर आपसे उन्होंने एक तोहफा भी भेजा, बल्ला भी भेजा, जैसे भी आपको भेजी, ये शायद पुरानी कहानी है। हाँ सर, बात उस वक्त नहीं हो पाई क्योंकि ये 2016 की बात है, और मैं बम्बई में था, और क्रिकेट के हवाले। तो फिर बाद में एक शो में आया था कि वहाँ से सचिन सर को भी पता चला कि ऐसा भी हमारे देश में है जिसके पास हाथ नहीं है और क्रिकेट खेलता है। तो सचिन सर ने मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा, और उसके बाद हाल ही में मेरा क्रिकेट बम्बई में था, तो मेरा जो है क्रिकेट का वीडियो वायरल हो जाता है,
और उसके बाद सज्जन सर ने ये कहा कि मैं मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए कि आमिर की जर्सी मैं पहनूं जी। और सज्जन सर ने फिर प्लान बनाया और कश्मीर आ गए हम से मिलने के लिए। ये एक और सरप्राइज है जो कि सचिन सर ने उस ग्राउंड में ही रिवील किया कि मैं आमिर की जर्सी पहनूंगा और जर्सी जो मेरी है वो आमिर पहनेगा। आपको बड़ा छुपा कर रखा था, एक सरप्राइज पैकेज रखा था सचिन तेंदुलकर जी ने, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। वो लम्हात आपने जिए हैं, लोग सपने में सोचते हैं आपने जिए हैं, वो लम्हात कैसे थे? सर यकीन मानिए जब मैं होटल से निकला और गाड़ी में था, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब अपने पूरे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आ चुका था सचिन सर के साथ, और वहाँ किसी को मिलने भी नहीं दिया मेरे साथ। क्योंकि फिर जब मुझे कमरे में रखा गया तो मुझे ये कहा गया कि क्योंकि बहुत जानते थे तो उनको ये कहा कि अभी सेल्फी मत उठाओ आमिर के साथ, मतलब बॉडी गार्ड आए तो उन्होंने कहा सभी को अभी अब सेल्फी खींचने नहीं देंगे, बाद में खींचो। और फिर ये हुआ कि सज्जन सर जैसे ही आए तो सज्जन सर ने मुझे कहा कि जब तक मैं न कहूँ तब तक आप बाहर मत निकलना, तो मैंने कहा ठीक है सर। और मेरे जहन में ऐसा था ही नहीं कि क्या आगे का क्या होने वाला है। इतने महान खिलाड़ी, इतना बड़ा नाम आपके सामने, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब उस समय विश्वास हो रहा था उनके पास बैठा, उनके पास खड़ा। सर यकीन माने जो आप सर अल्फाज ही नहीं है सर, ऐसा सामने एक जिसको हम कहते ना फ्रेंड जी, फ्रेंड की तरह ट्रीट करना और बातें कर रहा, वो एकदम सर वो क्या बताऊं सर, जहन में हम गुमान ही नहीं कर सकते हैं। हीरे की पहचान जोरी को होती है, एक जोरी तो सचिन तेंदुलकर निकले, और ऊपर मैं कहूंगा आरिंग रूपफ की बात करूंगा, जिन्होंने आपको मतलब आपकी क्वालिटी, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपका जुनून देखकर है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कितना शुक्रिया था इनका भी करो। सुप्रीति सर थैंक यू, चेयरमैन साहब का भी, और आरिंग रूपफ कॉलेज जितने भी तैयारी की जाए वो कम, खास करके कश्मीर के हवाले, क्योंकि वो मैंने जो कुछ वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बहुत खुश हुआ सर वो देखकर, क्योंकि स्टाफ कश्मीरी का ही है और जहाँ बच्चिया बॉयज वो भी कश्मीरी जहाँ पढ़ते हैं। और कल सर ने भी चार शायद पांच अनाउंस किए हैं, पांचों को इन्होंने कश्मीर से जॉब दिया, इन्होंने पांच और जो सिलेक्ट हो गए, और उसके लिए सर को बहुत बहुत सलाम जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसके लिए जितने भी तारीफ की जाए सर का वो बहुत कम। आमिर भाई एक कहानी है, छेड़नी तो नहीं चाहिए लेकिन वो बिना डिस्कस किए पब्लिक तक जानी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए इसके बारे में, जिसके रगों में जो है जुनून हो क्रिकेट को लेकर, जब उसको किसी ने कह दिया कि आप टीवी नहीं देख सकते, हमारे घर से चल जाओ, बहुत फील होता है, दिल भारी होता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्रिकेट का जुनून ही था जो उन लम्हों को पीछे छोड़कर उस जुनून के साथ आगे बढ़ा, और जिन लोगों ने टीवी नहीं देखने दिया था आज वो मजबूर है आपको टीवी में देखने के लिए। पहले सर जिंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हम काम करेंगे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये काम कल करेंगे, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। क्या मिलते हैं दोबारा आपसे? यस सर, क्यों नहीं सर, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनको भी खुद भी मालूम नहीं है कि उस टाइम हमने क्या किया आमिर के साथ, जाने अनजाने में किया, चाहे जैसे भी किया, दुख हुआ। दुख जरूर हुआ मुझे, लेकिन कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज उस कारण से हम अपने सपने हमने पूरे किए। विकी कौशल जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? क्योंकि विकी कौशल जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, उड़ी मूवी हमने देखी उनकी, बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सवाल पूछते थे कि कल को बायोपिक करोगे तो किन की करोगे, उन्होंने कहा मैं आमिर भाई की करूंगा, मुझे मेरी बायोपिक मिल गई। ये इतनी बड़ी बात कहना, और जल्द आपकी भी बायोपिक बनेगी, इसमें विकी कौशल नजर आएंगे, ये कितने बड़े प्यारे लम्हात आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त सर, क्योंकि मैं सारे गाँव शो में आया जिसमें कि हिमी श्रेष्ठ में उन्होंने साहब थे जी, और बहुत सारे थे क्योंकि सिंगिंग शो था, और ख़ास मुझे उन्होंने इनवाइट किया स्पेशली वहाँ, तो मुझे मालूम नहीं था वहाँ विकी कौशल साहब भी होंगे, और जैसे ही मेरी स्टोरी स्क्रीन पर चलाई गई और क्रिकेट की जर्नी, उसके बाद विकी सर जो है वो बहुत भावुक हो गए उस हमारी स्टोरी को लेकर, और उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे भी मतलब अगर मुझे बहुत सारे कहते हैं कि आप किसी क्रिकेटर के ऊपर बायोपिक बनाए, तो आज मेरा आंसर मिल गया, वो है आमिर, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं उसका प्रोसेस इंशाल्लाह जल्दी से। कुमार से आपकी मुलाकात, इनको गेंदबाजी किया अक्षय कुमार को भी आपने अपनी स्पिन की गेंदबाजी में फंसा लिया। हाँ, एक तो सर को वाइड शायद वाइड हो गई, तो दूसरी जो है वो टर्न हो गई, लेकिन आपकी गेंद पे कैच भी छूटा।
यस, दो कैच छूट गए, दो कैच छूट गए उसमें, कि जब कैच छूट गए मैं बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि सचिन सर की जर्सी पहनना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सर। मैं यही चाह रहा था कि जो मुनव्वर फारूक है मैं उसको आउट करूं, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने सोचा था इस तरफ ये कैच, क्योंकि मैं सोच रहा था टर्न ज्यादा ज्यादा होता है जितना इसको खेलने में दिक्कत आ जाएगी जी, और मैंने वैसे ही किया, लेकिन जब दो कैच छूट गए तो मैं अपसेट हुआ। मैं कहा यार ऊपर से सचिन सर की जर्सी में पहना हुआ कि ये हमेशा सचिन सर की कमीज हमेशा ऊपर होनी चाहिए और आज भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करी। उस मैच में हमने विक्ट्री हासिल की और उस वक्त भी सचिन सर की जर्सी ऊपर ही रही, और जो फील्डिंग मैंने की सारा सचिन सर ने करताली बजाई, सारा क्रेडिट हमने को दिया जी। मैं ज्यादा से इतना पूछूंगा कि आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ही आपने क्यों चुना, मतलब क्या पहल थी, क्योंकि उन्होंने तो आपको कहा ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए कि हम आपको बना रहे हैं, लेकिन आपके जहन में क्या ऐसी चीज थी कि मैं पहले वहां जाकर देखूं वहां का सिस्टम कैसा है फिर मैं चुनूं? क्या है कि सर मैंने बहुत सारे ऐसे मुझे कहते हैं, क्योंकि मैंने बस एक साल का हमने रखा है और एक साल के बाद देखते हैं अपनी एजुकेशन भी, जो मेरी एजुकेशन है किसी कारण रोक भी गई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, पैसा भी नहीं था, मतलब फीस वगैरह उसके लिए। फिर मैंने मतलब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया लेकिन पढ़ा फिर ज़्यादा, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन इस कॉलेज में मैंने अपने खुद भी जो है एडमिशन लिया है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं बिजनेस में कुछ ऐसा मेरा प्लान है। और वहाँ मैंने क्यों चुना है कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा था पहले मैं देखूँ कॉलेज क्या है, कि ऐसा नहीं कि कल कोई, तो पहले मुझे देखा, जब मैंने वहाँ देखा तो हमने जितना भी आप देख सकते हैं पूरा कश्मीरी स्टाफ है वहाँ, और हमने वहाँ आर्यन की तरफ मैच भी रखा गया और मैंने वहाँ खेला, बाद में पूरी जो वहाँ फैसिलिटी मैंने देखी, उसके बाद मैंने एग्री किया, मैंने कहा ठीक है सर कोई परवाह नहीं इंशाल्लाह, और आपके इस पहल को हम इंशाल्लाह आगे पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह दुआ करते हैं। खासकर देखो मैं आपको बता दूँ सर, जॉब के लिए मैं खुद भटकता रहा क्योंकि जॉब नहीं मिल गई, लेकिन इन्होंने जो काम किया है किसी कश्मीरी को रखना जॉब पर वो कमाल का है। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए, और जितनी मेहनत इन्होंने की है ये इंस्पिरेशन है सबके लिए, और मैंने पहले ही कहा ना इन जैसे रियल हीरो की बायोपिक बननी भी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी इंट्रेक्शन कर रहे थे, इतना नाम कमा चुके हैं, इतने बड़े हस्ती से मिल चुके हैं, उनके साथ खेल चुके हैं, उसके बाद भी इतने ग्राउंडेड है, चेहरे पे मुस्कान है, स्माइल है, और मैं यही कहूंगा कि इनका भविष्य जो है उज्ज्वल रहे, और आप भी अगर जिस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर भी आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और अगर आप भी आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए, क्योंकि आमिर जी वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इन्होंने भी वहाँ जाकर देखा है कि वहाँ पर जो एक सहूलतें बच्चों को मिल रही हैं शायद कहीं और ना मिल रही हूँ।